प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानानि नमानि ब्रह्मणैव महात्मना। नव दुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा अथवा पार्वती के नौ रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन नौ दुर्गों को पापों के विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं। नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। दसवां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में चार बार आता है, पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के नौ रातों में तीन देवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है। इन्हें नौ दुर्गा कहते हैं। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नौमी तक निश्चित नौ तिथि, नौ नक्षत्र, नौ शक्तियों की नौधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद दसवें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। तब से असत्य अधर्म पर सत्य धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। आदि शक्ति के हर रूप की नवरात्र के नौ दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर ही आसीन होती हैं। नवरात्रि के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। नौ दुर्गा दस महाविद्याओं में काली ही प्रथम प्रमुख हैं। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली दश महाविद्या अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दसवें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति हैं जो प्राकृतिक संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, इसलिए आगम निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। नौ देवियों का नाम क्रमशः इस प्रकार है, शैलपुत्री अर्थात पहाड़ों की पुत्री, ब्रह्मचारिणी इसका अर्थ है ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली, कुष्मांडा इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैर में है, स्कंदमाता इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता, कात्यायनी इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मे, कालरात्रि इसका अर्थ काल का नाश करने वाली, महागौरी इसका अर्थ सफेद रंग वाली माँ, सिद्धदात्री इसका अर्थ
सर्व सिद्ध देने वाली अर्थात नवरात्रि में नौ देवियों की पूजा स्थापना करने से हमारे सारे संकल्प सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आइए प्रेम से बोलें जय माता दी।